दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं रेड फोर्ट के अंदर एंड एज वी फिनिश अप अ ग्लोरियस सेलिब्रेशन सेलिब्रेटिंग 70 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड मूव ऑन इनटू द 71st ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस हियर इज विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप देख सकते हैं कि इस समय मेरे साथ बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं हु हैड बीन अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन एंड क्लियरली द एनर्जी ओवर हियर इज कंटेजियस एंड आप सबको सबसे पहले वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू किड्स। सो हमें पता है कि आप लोग बहुत छोटे छोटे अभी बच्चे क्लास 7th और 8th के हैं। आज आपने हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर यानी श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छी सी एक स्पीच देते हुए सुना। मुझे ये बताइए आपको हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर लगते कैसे हैं? मैम बहुत अच्छे। मुझे एक से जानना है क्या? हाँ जी मैम, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सी चीज़ें की हुई हैं, जैसे कि उन्होंने नोटबंदी की है, काला धन बाहर लाया उन्होंने, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उन्होंने बहुत से स्टार्ट किए हुए हैं। वाओ, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है आपको इतना कुछ बताया। हाँ जी मैम, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लिए कई सारे आंदोलन अपनाए जिससे कि हमारे देश को बहुत सहायता मिली है। वेरी गुड, और कोई कुछ कहेगा? हाँ जी मैम, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में गरीबी मिटाओ आंदोलन भी अपनाया है और स्वच्छ भारत अभियान भी अपनाया है। वेरी गुड, और मुझे एक चीज़ और पता है, आपको पता है ना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में एक योजना बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया है क्या? स्वच्छ भारत। उसके अलावा उन्होंने बात करी है संकल्प से सिद्धि की, जिसमें वो बात करते हैं 6 योजनाओं या प्रणों की, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे देश से पॉवर्टी यानी गरीबी, करप्शन, टेररिज्म, उसके साथ साथ कम्युनलिज्म, कास्टिसिज्म और डर्ट को भी यानी गंदगी को मिटाना चाहते हैं। तो आप लोग हमारे देश के पूरे यंग ब्रेन्स हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है वो क्या चाहते हैं कि अगले 4 साल के अंदर भारत कैसा बने 2022 तक, तो आप क्या चाहोगे हमारे देश को और अच्छा बनाने के लिए अपनी ओर से करना? हाँ जी बताइए। मैम अपने देश को स्वच्छता भारत बनाएंगे जिससे हमारे देश को बीमारी नहीं फैलेगी और हमें बहुत इससे फायदा होगा। वेरी गुड, और मैम जहाँ भी कूड़ा पड़ा है वहाँ पे हम साफ करेंगे उसे कूड़े को, और स्वस्थ और डिजीज भी बहुत कम फैलेंगी। जब आप लोग इतना कुछ स्वच्छ भारत के बारे में बात कर रहे हो मुझसे आज यहाँ पे, आप लोग खुद क्या करते हो स्वच्छता रखने के लिए? मुझे अपने बारे में बताएं। हाँ जी मैम, हम अपने घर में या कहीं पर भी कूड़ा पड़ा रहता है हम उसको उठाकर कूड़ेदान में ही डालते हैं और कहीं नहीं डालते। वेरी गुड मैम, जो भी कूड़ा डालते हैं उसे पहले हम समझाते हैं और जो नहीं समझता उसे हम वो कहते हैं कि आप कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालें। यू नो, आप लोग को सबसे पहले अपने लिए एक बार ताली बजानी चाहिए। आप लोग इतने अच्छे हो और आप लोग इतना कुछ कर रहे हो एज यंग सिटीजन्स ऑफ द कंट्री जिनके ऊपर इतनी सारी उम्मीदें हैं। यू डूइंग अ ग्रेट बिट। मुझे एक चीज़ और पूछनी है, आप लोग यहाँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए आए थे ना आज? Yes, ma'am. कैसा लगा आज का सेलिब्रेशन? बहुत अच्छा लगा। Yes, ma'am. कुछ जाके अब करोगे आप लोग घर पे सेलिब्रेट आज? Yes, ma'am. क्या सबसे अच्छा लगा आज के सेलिब्रेशन में? चलो मुझे एक कोई बताए। हाँ जी, स्वच्छता के बारे में बताया है, मिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में बताया है। वेरी गुड, वेरी गुड, और कोई? हाँ जी मैम, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें बताई हैं वो भी बहुत अच्छी लगी हमें। कोई और कुछ कहना चाहते हैं? मैम हम हाँ। भाग्यशाली कि हमें प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिलेगा और उनसे जो स्पीच वो देते हैं वो हमें फेस टू फेस सुनने का मौका मिलेगा। वेल, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, आपने प्रधानमंत्री को आज देखा और मैंने देखा सारे बच्चे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के सामने वाले जोन के अंदर बैठे हुए थे। yes. किसी को गूज़बम्स आए? Yes. कुछ फील हुआ? प्राइम मिनिस्टर सामने खड़े हुए थे, नरेंद्र मोदी जी सामने खड़े, उन्होंने झंडा हमारा फहराया और उसके बाद वो 21 गनों की तोपे जो कहते हैं वो चली। क्या लगा उस समय अंदर? बहुत अच्छा लगा था। रोंगटे खड़े हुए? यस मैम। तो चलो एक बार हमारे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं आज जो देख रहे हैं आप सबको, आज आप लोग टीवी के ऊपर हो, उनको एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर दो। Well, so that's what you see over here, these kids absolutely brimming with the highest of energy that we've been talking to, and that's what we've been a part over here. Here's wishing you all also have a great 15th of August. Go on, enjoy the celebrations and make India a beautiful country in the coming years even more.